नमस्ते, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइट है यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। और बार की तरह इस बार भी मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट्सअप कुछ ट्रिक्स के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और उसको बेटर से यूज़ करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज हम बताएंगे कि आप अगर पब्लिक किसी के स्टेटस स्टोरी देखते हैं लेकिन उस बंदा को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको स्टोरी देखें तो क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा सेटिंग के बाद आप ये इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल करके उसको छुपा सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों को बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक किया नहीं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, मोबाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके सामने आने वाला है और आगे भी बनाएंगे बहुत सारे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो एकदम फ्री में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको अपना मोबाइल में जाना है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना व्हाट्सअप ओपन किया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटस में जाना है। स्टेटस में जाने के बाद आपको थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में, अब जैसे प्राइवेसी में जाएंगे, देखिए ये रीड रिसीव, इसको अनचेक कर देना है। जैसे आप अनचेक कर देंगे, अगर आप किसी को स्टोरी देखते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है, अगले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आप उसको स्टोरीज देख रहे हैं। तो फिर इसी तरह आप अपना एक सेटिंग करके आप व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं और अगले बंदे का जो स्टोरीज है वो आप देख नहीं सकते, मतलब देखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह ही आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प होंगे। तो ऐसे वीडियो पाने और देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।